चलिए फिलहाल वे ऑप्टिक्स का रिवीजन हो गया है, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक देखेंगे। तो आज मैं फील्ड तक ख़त्म करूँगा, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा, कंसेप्ट कंसेप्ट देखेंगे और जहाँ लगेगा वहाँ क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। और अगर इसके बाद भी लगता है कि नहीं क्वेश्चन लेना चाहिए तो फील्ड के क्वेश्चन अपन मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि जो टेस्ट है तो टेस्ट जो हो रहे थे अभी तक लास्ट तक तो लोगों ने बहुत सारे कंट्रीब्यूट किए, सबने टेस्ट भी दिए, मार्क्स भी भेजे, बट प्रॉब्लम क्या है कभी सब धीरे धीरे साइड हो रहा है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन में कर क्या रहे हो, तो टेस्ट नहीं दे रहे हो, कौन सी शादी अटेंड कर रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हम आपको बताएंगे लाइक दो तीन बच्चे तो स्पेशली कंसिस्टेंटली ऑब्सेंट है, वो लॉकडाउन में पता नहीं ड्यूटी कर रहे थे हॉस्पिटल में, तुम लोग अंजलि वैष्णवी मृणाल अभी आजकल आया था, सिद्धि का भी गायब है, तो ये क्यों। वॉइस का तो भगवान ही मालिक है, अभी 4 मई से आपका टेस्ट फिर से शुरू है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पेपर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दिमाग में कि इतना पढ़ाई करते फिर भी मार्क्स नहीं आते। मैं आपको पूछता हूँ ऐसे सिंपल, अभी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। व्हाट इज वेक्टर, आप सब यही बोलेंगे क्वांटिटी भी शायद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है ना, और आपको लगता है कि ये सही है। तो एक तरह का ये इल्यूजन है, मतलब वेक्टर ही नहीं, जितना कंसेप्ट आप पढ़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, जितना कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, तो ये एक तरह का सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ गया है कि मैंने पढ़ लिया है, बट आप कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चीज़ें छूट जा रही हैं, मिसकंसेप्शन हो रहा है। जैसे आपने बताया कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बस होने से वेक्टर नहीं होता है, और ये 80% लोगों का जवाब होता है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के साथ साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबीबी करना चाहिए, जो कि सही डेफिनेशन है। तो ऐसे ही बहुत सारे कंसेप्ट है जो आप पढ़ के आपको लगता है कि नहीं मैंने सही पढ़ा है, और आपको अगर कोई पूछता है कि क्या पढ़ लिया, हाँ पूरा रिवीजन हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, जबकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम की वजह से इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रीज़न यहाँ पे है। तो आप जो भी पढ़े हैं, जो भी चैप्टर पढ़ा हुआ आपने, और उस चैप्टर में एकदम परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और आपको लगता है कि हमने बहुत पढ़ लिया है, तो आप गलत हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उस चैप्टर को निकालो, फिर से एक एक चीज़ को ढूंढो कि प्रॉब्लम क्या क्या है, या फिर रिस्पेक्टिव टीचर से आप पूछो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसका क्या है, आंसर क्या है, या इसका सलूशन क्या है, या इसके कंसेप्ट में मिसकंसेप्शन होने हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है। ये सब चीज़ आपको पहले से क्लियर करना पड़ेगा, तब आप टेस्ट के लिए अपीयर होइए, नहीं तो टेस्ट पेपर आपको फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता है। जो आपने थोड़े बहुत पढ़े थे वो भी चला जाएगा। तो अभी तक मैं देखूँ जो बच्चे टेस्ट से भाग रहे हैं, तो उनके फिजिक्स में मार्क्स आते थे 70, 80, 60, ऐसे मार्क्स आते थे, अब वो केवल इस डर से भाग रहे हैं कि मार्क्स पता पड़ेगा तो फिर क्या चलेगा, कैसे होगा, हमारे मार्क्स तो कम आएंगे तो क्या करें। तो मार्क्स कम आएंगे तो एक अरे रेगिस्तान में एक पक्षी होता है, बर्ड तो नहीं बोल सकते उसको, पक्षी भी नहीं बोल सकते, वो रेत में क्या होता है उसको दौड़ाते हैं ना, तो रेत में मुंडी घुसा देता है, और फिर उसको लगता है कि जो दौड़ा रहा था वो भागे। तो रेत में मुंडी घुसाने से कुछ होगा नहीं, आप जो दौड़ा रहा था पकड़ के ले ही जाए। तो वैसे आप टेस्ट से दूर होके अपने आप को कंफर्ट जोन में रखिए, और जब नीट का पेपर होगा तो भांडे तो फूटने हैं आपका, है ना। तो ऐसे मत कीजिए, आप टेस्ट दीजिए, बहुत होगा तो मार्क्स नहीं आएगा, तो कुछ तो पढ़ेंगे ना, मामा से अच्छा कानी मामा अच्छा। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जरा टेस्ट वगैरह पे एक फ्रेम में आइए आप, अगर आप फ्रेम में आप रहेंगे तो आपको पढ़ाई करने में आसानी रहेगा कि नहीं आज 4 को पेपर था तो अभी इसकी पढ़ाई हो गई है, अब इसके बाद कौन सा पेपर तो इसका पढ़ेंगे, तो एक पर्टिकुलर फ्रेम में रहेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो आपने अपने से फ्रेम बनाए ना। मैं आपको बताऊँ, हालांकि आज लेक्चर ही हो जाएगा, अब बोल ही ले रहा हूँ, सुनना होगा सुन लेना, नहीं तो स्किप कर देना। आप क्या करते हो कि चलो आज पढ़ेंगे, आज मम्मी को जाके बोले मम्मी आज मैं 2 बजे रात तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो मम्मी देख के बड़ा मुस्कुरा के निकल जाती है, क्योंकि उनको पता है तुम्हारा क्या होने वाला है, एकदम
10 11 बजे बैठता है पढ़ने, और फिर उसके बाद थोड़ी नींद भी रहती है, फिर सोता भी सो जाते है। तो तुम्हारा दिमाग लॉजिक देने लग जाता है कि नहीं यार सो जाते हैं फिर देखेंगे, तो फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, फिर भी तुम्हारा दिमाग फिर से लॉजिक देगा तुमको, ऐसा लॉजिक देगा ना कि अब तो सो ही जाएगा पक्का। फिर उसमें दिमाग बोलेगा अरे नहीं यार ये तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि सुबह पढ़ना चाहिए, ये रात का पढ़ाई कोई नहीं, ये तो राक्षसी है, राक्षस रात को घूमते हैं रात को जागते हैं, चमगादड़ थोड़ी ना है, हम तो शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे। और सुबह कितने बजे उठे तुम? 9 बजे, और ऐसा ही डेली टाइम टेबल तुम्हारा चलता है। तो ऐसा सुबह शाम का चक्कर छोड़ दीजिए, जब टाइम मिले पढ़िए, और आजकल तो कहीं जाना भी नहीं, जो डेली रूटीन का क्रियाकलाप है उसके बाद तो पूरा टाइम है तुम्हारे पास, पूरा टाइम यूटिलाइज कीजिए, 9 घंटे ले ले, सोने खाने नहाने जाने का टाइम ले लो 9 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे बचते हैं ना, तो 12 घंटे पढ़ ले, 2 घंटे और दे दे भाई साहब, पढ़ाई करो। नीट का पेपर अभी जो भी है टाइम टेबल कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल है, क्या पता अगस्त में भी हो जाए या जून में भी हो रहा है या जुलाई में हो रहा है पता नहीं है, बढ़िया है कि पेपर तो पक्का होगा। चलो यार बकवास नहीं करते, सो तुमको ना कितना भी समझा लो, ऐसे बोलते ना कि पूछ टेढ़ी का टेढ़ी रहेगा, वही है। चलिए लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये बकवास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मेटल का रॉड ले लीजिए या रब कीजिए उसको फर से या वुलन से, तो आपके पास क्या है, ऐसे मान लीजिए एक रॉड है, तो रॉड है और इसको हमने ऐसे और ऐसा दिखता है देख लेना ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है एट लीस्ट वन बॉडी शुड इंसुलेटर ठीक है। तो इन केस में क्या होना चाहिए, अभी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बात हमने की है ना, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, ओके बच्चों ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा। तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, दो रॉड को रब करते हैं या दो बॉडी को अगर हम एक दूसरे पे रब करते हैं, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में चला जाएगा, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के गया था वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन गया था वो निगेटिव चार्ज हो जाएगी। अगर ये दोनों कंडक्टर होते तो इसको रब करने के बाद अलग किए तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो एक पॉजिटिव हुआ होगा एक निगेटिव हुआ होगा, लेकिन जैसे ही फिर ये कॉन्टेक्ट में आएगा तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि सर अगर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी को हमको एग्जिस्ट कराना है तो एटलीस्ट एक बॉडी क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए, ताकि फिर से कांटेक्ट आने पे न्यूट्रल ना हो, या दोनों बॉडी भी इंसुलेटर हो सकती है ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात हम करते हैं क्वांटाइजेशन की ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई लिखते हैं, तो जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही होगा, क्यों, क्योंकि तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग भी तो हम इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर करते हैं ना, मतलब अगर बॉडी को है आपने क्या कर दिया इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज हम इसको दे नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन आपने दिया है या इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले हैं
इलेक्ट्रॉन के ही टर्म में आप इसको चार्ज दे सकते हैं। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और क्वांटाइजेशन मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट ये है कि ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो या तो चार्ज ई होगा या टू ई होगा या थ्री ई होगा। क्वार्क पार्टिकल की हम बात ही नहीं कर रहे, वो सिलेबस में है भी नहीं, ना ही कोई इसको मानता है, ठीक है, बट ये बकवास करने के लिए वो सही है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग कंडक्टर की हम लोग बात करें तो अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करो, ये चारों इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को दे दो, तो दूसरी बॉडी को ये चारों इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपने इलेक्ट्रॉन निकाले वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी में दिया जाएगा। मतलब क्या है कि यूनिवर्स का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो किसी बॉडी से अगर आपने चार्ज निकाले हैं तो वो कहीं लॉस नहीं होने वाला है, मतलब चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। बस हम इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे जिससे चार्ज जनरेट हो जाता है पॉजिटिव या निगेटिव। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाले हुए हैं तो वो चार इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी में देना पड़ेगा, वो लॉस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इंसुलेटर की बात करते हैं। तो अब चार्जिंग हो गया तो कंडक्टर की पहले बात कर लेते हैं। तो कंडक्टर की कहानी ऐसी है कि सर बॉडी में जो भी चार्ज दोगे तो ये म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कंडक्टिंग बॉडी है, चाहे वो हॉलो बॉडी हो चाहे वो सॉलिड बॉडी हो, अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे जाएगा। लेकिन हम लोग अगर इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर में क्या होता है सर, इंसुलेटर में हम चार्ज देंगे तो चार्ज उसके हर बॉडी में ऐसा यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, केवल सरफेस पे चार्ज नहीं रहेगा, पूरी बॉडी में चार्ज रहेगा। बट कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि कंडक्टर के केस में क्या रहेगा, चार्ज आपने अगर दिया हुआ है बॉडी को तो बॉडी के चार्ज पूरे सरफेस पे जाएगा, आपका एक इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो जीरो रहेगा, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा और बाहर भी जीरो नहीं रहेगा, यहाँ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये बकवास हो गई, आइए। देखिए कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ क्या बोलते हैं, अगर दो चार्ज एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो f बराबर होता है k q1 Q2 और अपान R स्क्वायर, ठीक है। K क्या होता है आपके पास, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। अब ये यूनिट हो जाएगा, ये होगा यूनिट कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आप करिए, ओके। तो हमारे पास होता है एक अब्सोल्यूट परमिटिविटी, तो रिलेटिव हो जाएगा अब्सोल्यूट अपॉन एयर, तो अब्सोल्यूट बराबर हो जाएगा रिलेटिव इनटू एयर, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे क्या कहानी है, ठीक है। और जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, के, के ये वाला के नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहानी ऐसी है कि के आपका क्या होता है, के का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ऐसा यूनिट में होता है 9 × 10⁻⁹, ठीक है, और के बराबर होता है 1 इन सीजीएस यूनिट, सीजीएस में के का वैल्यू 1 लेते हैं और ऐसा यूनिट में के का वैल्यू कितना लेते हैं, 9 × 10⁻⁹ लेते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, एप्सिलॉन आर अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन आपका ये एयर का परमिटिविटी, ठीक है, एयर का परमिटिविटी का वैल्यू आपके पास लिखा है। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हम उसको बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वाला के और ये वाला के अलग अलग है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है, ठीक है। चलिए कूलॉम लॉ के लिमिटेशन की बात करें तो पहला लिमिटेशन होता है कि चार्जेस, ठीक है, मस्ट बी पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, दे शुड बी एट रेस्ट, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो कूलॉम लॉ के लिए कंडीशंस क्या होती है,
फिर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या होना चाहिए, पॉइंट में होने चाहिए, पॉइंट मास के पॉइंट के साइज के होने चाहिए, और हमारे पास जो चार्ज होने चाहिए वो मूविंग नहीं होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो आपके पास ये दो लिमिटेशन है कूलाम का, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसी बात करें कि एक स्फीयर है और ये भी स्फीयर है, इसको चार्ज क्यू वन दिया है, ये भी मान लो क्यू क्यू ले लो, छोड़ो क्यू क्यू चार्ज ले लिया है, इनके सेंटर पर इनका चार्ज हम मानते हैं, ठीक है। जब इनके सेंटर पे हम चार्ज मानते हैं तो मान लीजिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो टोटल चार्ज कहाँ पे आएगा, इसके सरफेस पे आएगा। यस सर, इसके सरफेस पे आएगा टोटल चार्ज। यहाँ भी कहाँ पे आएगा, सरफेस पे ही आएगा टोटल चार्ज। तो जब सरफेस पे ही आएगा टोटल चार्ज, क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो इस चार्ज का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और ये वाले चार्ज का जो न्यूक्लियस है वो भी शिफ्ट हो जाएगा। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस पहले था वो कितना था, आर था, और अभी क्या आएगा, मान लो आर इफेक्टिव आएगा, तो आर इफेक्टिव जो होगा ग्रेटर देन आर रहेगा, तो जो नेट फोर्स आने वाला था वो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा, तो वो फोर्स अब नहीं आएगा, अब आएगा तुमको एफ डैश एंड दैट इज लेस देन एफ फॉर लाइट चार्जेस, ठीक है। तो लाइट चार्जेस के लिए फोर्स क्या होगा, ये कंसेप्ट है, आप समझो, मतलब डायरेक्टली अगर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो ठीक है, आप वैल्यू रख लीजिए। अगर आपको इंटेंशनली ये पूछता है कि ये फोर्स कम या ज्यादा होगा, तो आपको इस हिसाब से समझ के बोलना पड़ेगा। अगर यही कंसेप्ट पूछता है आपको क्वेश्चन में, तो ये बोलना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं पर इतना तो इग्नोर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, फोर्स इतना आपके पास है। जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व कर रहे थे या कूलॉम लॉ लगाते थे, इसको इग्नोर करते, जब यही पूछेगा इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ये बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लाइट चार्जेस अगर रहेगा तो देयर रिपेल टू ईच अदर, तो चार्जेस का जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर होगा, वो थोड़ा दूर चला जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर अनलाइट चार्जेस रहे, ठीक है, अगर यहीं पर अनलाइट चार्जेस रहेगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो जो आर इफेक्टिव होगा वो लेस देन आर हो जाएगा, तो फिर जो आपको एफ डैश आएगा वो ग्रेटर देन एफ आएगा, मतलब पहले से ज्यादा फोर्स आएगा, समझे। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है कि सर अगर हमारे पास इस तरह से है तो लाइट चार्जेस है तो रिपेल करेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, अनलाइट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, फोर्स आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखिए सुपर पोजिशन of forces, ठीक है, कूलॉम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या कहानी है, सर मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज Q1 है प्लस, और यहाँ पे चार्ज Q2 है प्लस, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज Q3 है प्लस, और यहाँ पे चार्ज Q4 है प्लस, प्लस में ये माइनस ले लो, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ऐसा मिलेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये फोर्स ऐसा मिलेगा, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स ऐसा मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया F2 और ये हो गया F4 और ये कितना हो गया F3, तो जो आपके पास फोर्स आएगा नेट वो कितना हो जाएगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। तो ऐसे ऐड नहीं करना है, ये वेक्टोरियल सम है, इसका जब हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो इनके बीच का एंगल भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, तो सुपर पोजिशन कैसे बताए, कहानी क्लियर हो गई है, तो एक क्वेश्चन लेके क्लियर कर देंगे, ठीक बेटा, यही ले रहे थे क्वेश्चन मिटाने का, क्या दिख रहा है तुमको, मान लो ऐसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर चार्ज Q, और यहाँ पर कितना Q, ये साइड A, साइड A, तो आपको इस टू Q के फोर्स निकालना है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, इसको रिपेल करेगा, और ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये भी फोर्स F है, और ये वाला भी फोर्स कितना है, एफ ही है, तो ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी उस पर लगाएगा, क्योंकि डिस्टेंस एंड चार्जेस का वैल्यू क्या है, सेम है, तो डिस्टेंस और चार्जेस का वैल्यू अगर सेम है तो हमारे पास क्या हो गया, ये फोर्स एफ हो गया और ये भी एफ हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, तो एफ नेट जो आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट
एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 होता है 1 बाई 2, कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3 एफ स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 3 एफ बराबर कितना हो जाएगा एफ नेट आएगा, एफ का वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का एप्लीकेशन आपने देख लिया किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नोट करके लिखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है, तो आइसोलेटेड कंडक्टर में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है और ये आपका सरफेस यूनिफॉर्म है, इसको हमने प्लस चार्ज दिया तो टोटल चार्ज कहाँ पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा, और क्या होगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब हर जगह पे चार्ज का डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कम ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए आपके पास बॉडी इस तरह से कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ बॉडी है, इसको चार्ज आपने दिया है तो आपके पास जहाँ पे स्पाइक्स रहेगा, जहाँ पे नुकीला रहेगा, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। ये क्यों होता है, जो चार्ज डेंसिटी होता है 1/रेडियस ऑफ लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सर अगर इस कर्व को हम कंप्लीट करें तो ऐसा मिलेगा, अगर हम इस कर्व को कंप्लीट करें तो ऐसा मिलेगा, मतलब यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, इस कर्व को कंप्लीट करें तो यहाँ रेडियस बहुत कम मिलेगा, इस कर्व को भी कंप्लीट कर यहाँ रेडियस कम मिलेगा। तो आपके पास जो भी सरफेस का स्पाइक्स रहेगा उसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से हमारे पास चार्ज डेंसिटी रहेगी, और चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। चार्ज डेंसिटी कहाँ पर रहती है, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर की इनवर्स होती है, तो जितना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा उतना ज़्यादा नुकीला रहेगा, तो वहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आप इसको वेक्टर में भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, बट ये कुछ कंडीशंस में ही सही होता है। कैसे सर, अगर मान लीजिए ये ऐसा आपके पास कोई चार्ज है और इसके चारों तरफ एक ऐसी जगह जहां पर एक दूसरा चार्ज आप लेके आए, मान लीजिए ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो जैसे ही आएगा ये तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा, तो ये अपनी जगह से हट जाएगा, तो जो फोर्स आएगा वो पहले से कम आएगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश आएगा वो लेस देन क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, बोले सर आप कैसी बात कर रहे हो, अगर ये एक चार्ज है क्यू है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, जब हम इसके फील्ड में बड़े वाले चार्ज के फील्ड में छोटे वाले चार्ज को हम जब लेकर आते हैं तो क्या होता है कि ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये अपनी जगह से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो फोर्स इनके बीच में जो लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल जो इतनी मिल रही थी वो नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगा कम। इसीलिए ये वाला जो चार्ज होता है, ये वाला चार्ज हम लोग लेते हैं टेस्ट चार्ज लेते हैं, क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं, और टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है ये, एंड इट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, द सोर्स, ये सोर्स को अफेक्ट नहीं करता है, तो फिर E बराबर क्या लिखेगा, F बाई क्यू नॉट लिखेगा, और क्यू नॉट क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, और ये कंसीडर किया जा सकता है, कंसीडर किया जाता है, हालांकि वो अफेक्ट करता भी होगा तो भी हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन अफेक्ट करता भी है तो बहुत कम करता है, जो कि कंसीडरेबल नहीं है। लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज अगर ये नहीं है, लेकिन अगर ये टेस्ट चार्ज नहीं है तो फिर ये सत्य
नहीं है, सत्य क्या है, सत्य ये है, ये जो आपके पास रिलेशन मिलता है, ये रिलेशन तभी सही है कि क्यू नॉट डिस्चार्ज होना चाहिए, अगर क्यू नॉट डिस्चार्ज नहीं है तो ये सही नहीं होगा। ठीक, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q है यहाँ पर, और इससे Q कैपिटल Q मान लो, इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट B है जहाँ पे हमको फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे क्या रखो, डिस्चार्ज रखो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ए क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। तो ई कितना हो जाएगा, एफ अपान क्यू नॉट। तो ई इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपान आर स्क्वायर, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो हो जाएगा के क्यू अपान आर क्यू एंड वेक्टर आर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों यहीं से थोड़ा सा हम लोग हेडिंग चेंज करेंगे, अब फील्ड पे बाद में आएंगे, फील्ड में आइए। ये आपके पास जो है एफ इक्वल टू क्यू ई या क्यू नॉट ई या एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर ई। ठीक है, ये चार्जेस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो बॉडी चार्ज अगर रेस्ट में है तो वैसे लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग लिखना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, ये आई एम पी है, यहाँ पे स्टार बना दो बहुत सारे। ठीक, अगर चार्ज मूव हो रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेते चले जा रहा हूँ, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने चार्ज को ऐसा भी स्पीड से थीटा एंगल पे फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेंज पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है। तो हम लोगों के पास यहाँ पर मान लीजिए कि ये प्लस चार्ज है, क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यू कितना है, प्लस क्यू चार्ज है, और जिसका मास कितना है, एम मान लीजिए। ठीक, इसको जब फेंकेंगे तो ये ऐसे जाएगा, तो इसमें क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं है, लेकिन नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा। और मैं नीचे की तरफ क्या लगा दिया हूँ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नीचे की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हूँ तो ग्रेविटी जो होगी वो जी नहीं होगी। अब फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, जी इफेक्टिव लेना पड़ेगा, एंड दैट इज जी प्लस क्यू ई बाई एम, चूंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा एंड दूसरा क्या लगेगा, क्यू ई फोर्स भी लगेगा इस पर, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और वो क्या करेगा, इसको जी इफेक्टिव देगा। तो फिर आप जो भी वैल्यू इनमें से निकालेंगे तो जी की जगह क्या यूज करेंगे, जी इफेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है और सही से इसको करेंगे। ठीक है, मिटाता हूँ पांच सेकेंड में, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि हम इस सेटअप को पानी में रखते हैं या कोई चार्ज को हम पानी में रख देते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मान लीजिए ऐसा है। ठीक, ये मान लो ऐसा इस तरह से है। ठीक है, ये एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी कितना है, रोयल है, और एक मास है जिसका डेंसिटी कितना है, रोयल्स है सॉलिड, और इसका चार्ज कितना है, क्यू है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा, और ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा। तो जो ई जी इफेक्टिव होगा आपके पास वो होगा जी इंटू वन माइनस रो एल लिक्विड अपान रो सॉलिड, और माइनस क्यू ई होगा। क्यों? क्योंकि सर जो इधर फोर्स लग रहा होगा वो आपका थ्रस्ट लग रहा होगा, जी ऐसा लग रहा होगा जी रो एल अपान रो एस, इधर पे फोर्स लग रहा होगा, और प्लस इधर पे कितना लग रहा होगा, एम जी लग रहा होगा। ठीक है, जो नेट आपके पास फोर्स लगे इफेक्टिव आएगा, जो जी इफेक्टिव आएगा, चूंकि ये नीचे ही जा रहा है तो ये आपको इतना मिलेगा। समझे, हमारे पास इधर पे कितना हो जाएगा, क्यू ई और प्लस एम जी इधर लगेगा, तो एम जी माइनस इतना प्लस ही रहेगा। सर समझ आ रहा है क्या? तो ये आपके पास एम जी इंटू रोयल अपान रोयस हो जाएगा, और नीचे लग रहा होगा एम जी और प्लस क्यू ई लग रहा होगा, तो क्यू ई प्लस एम जी बराबर कितना हो जाएगा, इतना। तो आपके पास जो जी इफेक्टिव आने वाला है ये दोनों का सम और माइनस ये। ठीक है, तो आपके पास जो एम जी इफेक्टिव होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू ई
और प्लस एम जी और माइनस एम जी इंटू रोयल अपान रोयस, तो ये हो जाएगा मास से सबको डिवाइड कर दीजिए क्यू बाई एम है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अपान एम और प्लस जी माइनस जी रोयल अपान रोयस, तो ये आपके पास क्या लगेगा जी इफेक्टिव लगेगा, जब हम पानी में डाल के रखेंगे तो थ्रस्ट फोर्स इतना लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है, तो ये वाला ज्यादा फोर्स है, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो जो इफेक्टिव आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड वाला केस ऐसा ले सकते हैं सर, थर्ड केस कैसा ले सकते हैं, मान लीजिए थर्ड केस हमारे पास ऐसा है, एक पेंडुलम बॉब है जिसका मासलेस स्ट्रिंग से हमने लटकाया हुआ है, इस पर चार्ज हमने कितना दिया है प्लस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और हमने ऐसा फील्ड भी इधर पे लगाया हुआ है, तो इस पर क्या लगेगा, एक तो एम जी लगेगा और प्लस कितना लगेगा क्यू ई लगेगा, तो जो जी इफेक्टिव आने वाला है वो कितना हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम, तो टाइम पीरियड अगर निकालेगा तो क्या लिखेगा टू पाई अंडर रूट एल अपान जी प्लस क्यू ई बाई एम लिखेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कैसे करना, ठीक। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आइए एक और हेडिंग लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की हम लोग बात करें, तो मान लीजिए आपके पास ये प्लस क्यू रखा है और इधर भी क्या रखा है प्लस क्यू, और यहाँ पे हमने प्लस क्यू वन रखा, तो अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो जाके तो क्या करेगा उसको रिपेल करेगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो रिपल करेगा और जाके ये डगमगा ऐसे वाइब्रेट होकर यहाँ पे रुक जाएगा, तो ये ऐसा में क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कैसा है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अगर हम इसको ऊपर आपको सबट्रैक्ट इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो ये ऐसा जाएगा फोर्स लगेगा और ये ऐसा फोर्स लगाएगा और दोनों मिलकर इसको रिपल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, किस में होगा अनस्टेबल में, अगर हम इसको नीचे डिस्प्लेस करते हैं तो ये ऐसा फोर्स लगाएगा ये ऐसा, दोनों मिलकर क्या करेगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगा स्टेबल रहेगा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ पे प्लस क्यू लिया है और यहाँ पर भी प्लस क्यू लिया है और यहाँ पे हमने क्या रखा है माइनस क्यू वन रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे या ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो जाके चिपक जाएगा, तो कैसा है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों मिलकर अट्रैक्ट कर देगा, फिर अगर ये नीचे की तरफ डिस्प्लेस होता है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों मिलकर वापस ले लेगा, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कैसा रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आइए यही कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चे, दो तरह से होता है, एक होता है इंटरिंग फ्लक्स होता है, दूसरा होता है आउटगोइंग फ्लक्स या बाहर आता हुआ फ्लक्स, जो बॉस बोलते हैं कि नेट फ्लक्स फ्रॉम लिंक्ड विथ अ बॉडी, नेट फ्लक्स लिंक विथ अ बॉडी नहीं है, नेट फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है ना बॉस क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक बॉडी है तो इसमें चार्ज q है इनक्लोज, तो फाई बराबर क्या होता था q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या है फाई आउट है, ये एकदम अंडरलाइन कर ले, ठीक है, बल्कि स्टार मार दे यहाँ पे, ठीक है, तो ये नेट फ्लक्स नहीं होता है, ये क्या होता है इस बॉडी से आता हुआ, हो सकता है ये बॉडी में लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर हो रही है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर हो रही है तो लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी, तो लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी तो ये लोग जो फ्लक्स देंगे वही क्या है आपका q enclosed upon epsilon naught, q enclosed upon epsilon naught, और ये जो होता है phi out है या phi बाहर आता हुआ फ्लक्स है, ठीक है, तो फ्लक्स आया है क्या एक्चुअल में नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो मान लीजिए कि आपके पास phi बराबर हम लोग लेते हैं es cos theta लेते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, तो अब मैं मानता हूँ कि सर मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा एक सिलेंडर है, ठीक है,
तो अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में से ऐसे लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, ठीक है। तो सिलेंडर में से अगर लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है और ये ऐसा है, ठीक, तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही, तो बोल रहा है कि इसका रेडियस आर है और हाइट कितनी है, एच है, तो आपको बताना है कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये फाई नेट की बात करेगा तो कितना होगा, जीरो। आप समझ लो दुनिया में कहीं भी अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी से लाइन ऑफ फोर्सेस जितनी इंटर हो रही उतनी ही बाहर जा रही, तो जो फ्लक्स इन है फ्लक्स आउट के बराबर है, तो नेट फ्लक्स हर बॉडी का जीरो होगा। लेकिन जो वर्स बात करते हैं तो आउट गोइंग फ्लक्स की बात करते हैं, बाहर निकलते हुए फ्लक्स की बात करते हैं, तो इसमें फिर बाहर जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, तो चाहे इंटरनल फ्लक्स निकाल ले चाहे आउट गोइंग फ्लक्स निकाल ले, वही तुम्हारा हो जाएगा आउट गोइंग फ्लक्स, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम लोग उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालते हैं उस फॉर्मूले का यूज करके, बट फिलहाल नेट फ्लक्स की बात करेगा तो वो जीरो होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो और देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से पास हो रही है, तो इससे फील्ड फ्लक्स या इसका आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा या इनकमिंग फ्लक्स कितना होगा। तो समझना बात को कि सर अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये कौन से क्रॉस सेक्शन को कट करेगा, ये इस वाले क्रॉस सेक्शन को कट करेगा, ऐसा कुछ बनेगा तुमको। हाँ ये ऐसा कुछ, आई डोंट नो ये वीडियो दिख रहा होगा नहीं पता नहीं, हाँ दिख रहा है, बकवास। तो ये जो एरिया है ये क्या है, ये रेक्टेंगल है और ये विड्थ कितनी है, 2r है, ये कितना है, h है, तो एरिया कितना होगा तुम्हारा, एरिया जब यहां से देखेगा तो तुम्हारा कितना होगा, 2πr(h) बराबर एरिया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, e(a), तो 2 ऐसा लिखेगा फाई बराबर e(2πr)h, एंड दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सिलेंडर, तो जितना इंटर हो रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। क्यों इंटर हो रहा है सर, अगर इंटर हो रहा होगा तो कुछ ऐसा इंटर हो रहा होगा सर, है ना, ऐसे ना, तो ऐसा इंटर हो रहा होगा, तो ये इस तरह से कहानी है। तो जब इंटर हो रहा होगा तो एरिया वेक्टर कैसा अपोजिट है, जब बाहर जा रहा होगा तो एरिया वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस फाइव आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस फाइव, तो फाइव नेट क्या हो जाएगा, जीरो है। तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि किसी बॉडी में नेट फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा अगर लाइन ऑफ फोर्सेस इंटर होकर बाहर निकल रही है, ठीक है। लेकिन आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा, जितना फ्लक्स इंटर हो रहा होगा उतना ही फ्लक्स आउटगोइंग रहेगा, ठीक है। चलो और समझा देते हैं क्या कहानी बेटा भाई, जैसे मान लो एक सिंपल क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं, क्यूबॉइड ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक क्यूब है ऐसा, ठीक है, क्यूब ले लिया और यहाँ से इधर से इंटर कराते हैं, यहाँ से लाइन ऑफ फोर्सेस हमने इंटर करा दिए, तो इंटर करा दिए तो उतनी लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर भी निकल जा रही है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ई है, तो फिर फाई कितना होगा, फाई इंटरिंग या आउट गोइंग, तो कौन सा एरिया लेगा, ये तो आना नहीं है, सामने वाला भी नहीं आएगा पीछे वाला भी नहीं आएगा, तो एरिया कौन सा रहेगा जो परपेंडिकुलर है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू, अगर साइड इसका ए है तो एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो फाई इन बराबर फाई आउट बराबर ए इंटू ए स्क्वायर, वो भी मॉड में, लेकिन जो फाई नेट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। एक चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक रॉड है आपके पास, चार्ज रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल है, ये चार्ज मान लीजिए इसको हमने क्यू दिया है, इसके सेंटर से यहाँ पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहाँ पे फील्ड निकालना है, तो ई बराबर होता था के क्यू इंटू वन अपान आर माइनस वन अपान आर प्लस एल, ठीक है। अगर मान लो वही रॉड है और उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे होता था ई बराबर टू के क्यू अपान आर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस फोर आर का स्क्वायर, है ना, ये लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। अगर हम लोग यहीं पे इनफाइनाइट लेंथ वायर की बात करते हैं तो इसके पास चार्ज डेंसिटी, अब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ से डिस्टेंस आर है, ये फील्ड कितना होता था,
2k लैम्डा बाई आर, कम से कम ये तो याद रहेगा, ठीक है। तो ई बराबर कितना होता है 2k लैम्डा बाई आर, ये फार्मूले आपके टिप पे रखिए और सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, ये जो इस कंसेप्ट पे जो बेस्ड क्वेश्चन है आपको जेई 16 में आया था और फिर नीट 2018 में सेम क्वेश्चन आया था। तो जेई वाला क्वेश्चन क्या था बच्चे, जेई वाला क्वेश्चन ऐसा था, ये कहानी ऐसी थी कि सर ये स्क्वायर है, ये रॉड है जो स्क्वायर बना रही है, इसका प्लस लैम्डा चार्ज ऐसी है, इसका माइनस लैम्डा है, इसका भी माइनस लैम्डा है, इसका भी क्या है प्लस लैम्डा है, तो इसके सेंटर पे आपको फील्ड निकालना है। अगर इसका साइड जो है वो कितना है 2a, क्या है साइड 2a है या लेंथ 2a है रॉड का, तो आपको फील्ड निकालना है। और यही सेम क्वेश्चन आपको नीट 18 में पूछा हुआ है, बट वहाँ पर लैम्डा का वैल्यू अलग अलग है, यूनिफॉर्म से लैम्डा 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 लैम्डा, अगर मैग्नीट्यूड में देखें तो वहाँ से 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला है, ठीक। तो हमारे पास ये फार्मूला कहाँ से आता था, एक और फार्मूला क्लियर करा देता हूँ तुमको। देखो ये क्वेश्चन को होल्ड करो, अगर मान लो हम लोग सेमी इनफाइनाइट की बात करते हैं, तो सेमी इनफाइनाइट वायर की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा आता है कि ये यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है या टर्मिनल पे है, तो यहाँ पे फील्ड होता था, एक ईएक्स मिलता था, ईएक्स मिलता था आपको के लैम्डा वाई आर, और यहीं पर आपको ई वाई मिलता था, ई वाई मिलता था के लैम्डा वाई आर, और दोनों का रिजल्टेंट कितना होता था रूट टू के लैम्डा वाई आर, ये होता है फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट के लिए। अब हम लोग फाइनाइट का भी देख लेते हैं, मिटाओ ये, तो हम लोग जब फाइनाइट का देखते हैं तो फाइनाइट ऐसा है कि आपके पास एक वायर है, तो हम लोग ये सेंटर पे या सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं देख रहे हैं, हम मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट देखा हुआ है ये ऐसा, तो ये डिस्टेंस कितनी आर है और ये कितना थीटा 2 है और ये कितना थीटा 1 है, और यहाँ पर ये लेंथ मान लीजिए एल है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो हमारे पास मिलता था ई एक्स मिलता था यहाँ पे, और एक मिलता था ई वाई मिलता था, और ये ई एक्स, तो ई एक्स बराबर होता था के लैम्डा वाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 मिलता था, और ई वाई बराबर मिलता था के लैम्डा वाई आर साइन थीटा 1 और प्लस साइन थीटा 2 मिलता था, ठीक है। ये कहानी थी, अब हम यहाँ पे देखें तो शायद ये वाला फार्मूला लगने वाला है, खैर वो देखते हैं। अब एक इसमें स्पेशल केस कहाँ से आता है बच्चे, स्पेशल केस ऐसा आता है, ये मान ले कि तेरी डॉट है ऐसी, ठीक है, ये प्लस 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 हमने चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी हुई है, और यहाँ से ये पॉइंट पर आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे फील्ड निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी आर है, तो ये टर्मिनल ले लिया और ये भी टर्मिनल ले लिया, तो ये वाला एंगल कितना है थीटा 2 और ये कितना है थीटा 1, तो थीटा 1 यहाँ क्या लेगा नेगेटिव लेगा और थीटा 2 क्या लेगा पॉजिटिव लेगा, तो ई एक्स जो होगा वो कितना होगा के लैम्डा बाई आर, और ये जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा और थीटा 1 ही रहेगा, ठीक है, और जो ई वाई होगा आपके पास वो जाएगा के लैम्डा बाई आर और साइन माइनस थीटा 1, तो माइनस साइन थीटा 1 और प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास ई वाई बराबर के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, तो ये इस हिसाब से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपको आईएमपी भी है, हो सकता है पूछ ले, चूंकि कब से बोर हो गया होगा पूछ पूछ के, तो ये पूछ डालेगा, तो ध्यान रखना कि थीटा 2 का आपको प्लस लेना है, थीटा 1 क्या लेना है माइनस लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आते हैं, ये क्वेश्चन क्या है फाइनाइट लेंथ वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है।